नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आरओ की प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में पूछे जाने वाले जीएस और हिंदी विषय के लिए कौन सी सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग किसी टेस्ट सीरीज के मूल्यांकन की बात करेंगे तो हमें उसके आधारों को भी जानना जरूरी है, यानी हमें यह समझना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज की विभिन्न उपादेयताओं में सबसे अच्छी उपयोगिताएं कौन सी हैं। उनके आधार पर ही हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी हो सकती है। तो देखिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से सबसे पहली जो उपयोगिता होती है, सबसे ज्यादा जो लाभ होता है, वो ये होता है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न से रूबरू हो जाते हैं, यानी जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसका आपको एक अंदाजा लग जाता है। न केवल अंदाजा लग जाता है बल्कि आप ये भी समझ जाते हैं कि उस एग्जाम में पूछे जाने वाले विभिन्न विषयों के विभिन्न चैप्टर्स की क्या भूमिका है, कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है और कहां पर कम ध्यान देना है। और इसके माध्यम से यदि आप ये जान जाते हैं तो आपकी स्टडी जो है वो एक स्मार्ट स्टडी में तब्दील हो सकती है। उसके साथ ही साथ यदि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से यदि आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसके द्वारा दरअसल आपकी पढ़ाई में नियमितता आ जाती है, यानी आप पढ़ाई के प्रति ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और मैंने पहले भी बता रखा है कि परीक्षा में सफलता के लिए न केवल हार्डवर्क जरूरी है बल्कि कंसिस्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। और वो अगर आप टेस्ट सीरीज को साथ में लेकर चलते हैं तो उसके माध्यम से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और उसके बाद एक और अच्छी बात ये हो जाती है टेस्ट सीरीज के साथ, एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी आप कितने पानी में हैं, आपका कौन सा विषय स्ट्रांग है, कौन सा विषय कमजोर है, कहां के किस चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन सभी से आप परिचित हो जाते हैं और उसी अनुसार समय रहते ही अपनी अक्षमताओं को जानते हुए उन पर काम करने लगते हैं और इसके माध्यम से आप अपने क्षमता का उन्नयन सही समय पर सही तरीके से कर सकते हैं। इस हेतु टेस्ट सीरीज की अपनी उपयोगिता रहती है। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी हो सकती है। तो देखिए, मार्केट में कई प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलती हैं। एक होती है आपकी फुल लेंथ टेस्ट, यानी जिसमें जीएस का कंप्लीट टेस्ट और हिंदी का कंप्लीट टेस्ट होगा। मेरा अपना ये सुझाव है कि ये टेस्ट आप तभी दें जबकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका हो, यानी अगर आपको एग्जाम के पास में ये टेस्ट सीरीज देना हो तो उस समय ये सबसे अच्छा टाइम होता है फुल लेंथ टेस्ट देने का। कारण कि अभी आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि अभी तक नहीं तैयार हुए होंगे। मान लीजिए करंट अफेयर्स ही अगर आपका नहीं तैयार है और आप 140 में से हो सकता है कि इसी वजह से आप केवल 60 अंक ही स्कोर करें और आपको ये लग सकता है कि मेरी तो तैयारी ठीक नहीं है, क्या मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, इस प्रकार की तमाम सारी दुविधाएं शंकाएं आपके मन में घर कर सकती हैं और उससे आप कहीं ना कहीं हतोत्साहित सा फील कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये फुल लेंथ टेस्ट जो है वो एग्जाम के करीब आने पर ही सॉल्व करें, अभी उसमें अपना समय जाया ना करें। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कई बार कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, तो फिर आप इस पर जा सकते हैं। दूसरी जो टेस्ट सीरीज आती है वो होती है दरअसल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है उसका आप टेस्ट दे दीजिए। इसके माध्यम से आप उस सब्जेक्ट की तैयारी के प्रति और अपनी पढ़ाई की गंभीरता को आप मूल्यांकित कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपने किस स्तर तक उस सब्जेक्ट में मेहनत की है। यह टेस्ट सीरीज अच्छी मानी जाती है और ऐसी ही टेस्ट सीरीज हम लोग अपने यहां संडे फ्री टेस्ट के नाम से हमारे ऐप पर चलाई जाती थी पहले। लेकिन इस टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा बेहतर जो टेस्ट सीरीज होती है वो होती है चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट का अर्थ है कि आपने आज जिन चैप्टर्स का अध्ययन किया उसी चैप्टर का आप तुरंत प्रश्न सॉल्व कर दें, टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर दें। उस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एक एक चैप्टर पुख्ता हो जाता है और उसके माध्यम से आप चैप्टर में कौन से पॉइंट्स को छोड़ गए हैं वो आप तुरंत ही आपको पता चल जाता है और उसको आप या तो टेस्ट सीरीज के नीचे दिए हुए एक्सप्लेनेशन से या फिर उस चैप्टर में पुनः जाकर के आप उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हर एक चैप्टर की बारीकियां और उसके मजबूत पक्ष सभी का पता चल जाता है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से आपकी जो तैयारी होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से होती है। मेरा ये अनुमान है कि ये वाले टेस्ट के हिसाब से यदि आपकी पढ़ाई में 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं तो आप
इस तरीके को सबसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं। हम लोग अपना जो फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें आपको कई सारे नोट्स, टेस्ट, टारगेट्स इत्यादि दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप डेली बेसिस पर एक टारगेट दे दिया जाता है, उसको आपको अकम्प्लिश करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है। उसके साथ में यदि आपने जो आज का टारगेट कंप्लीट किया है, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर आप अगले दिन उसी टारगेट का ही टेस्ट दे दें, यानी जो टारगेट आपने पढ़ा, जो चैप्टर्स आपने पढ़े, उसी विषय के उसी चैप्टर पर अगले दिन आप टेस्ट दे दें। इस प्रकार की हम लोग एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी करा रहे हैं। मार्केट में ज्यादातर ऐसी प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज भी हैं जिनमें केवल और केवल ले देकर PYQs पर ही फोकस किया जाता है, यानी केवल घटनाचक्र पूर्वावलोकन के ही कुछ प्रश्नों को छाट करके और टेस्ट बना दिया जाता है। परंतु हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट शामिल करेंगे, इनमें PYQs तो हो गई क्योंकि PYQs की अपनी महत्ता है, परंतु उसके साथ में कई ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके उस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं, जिससे अभी तक तो प्रश्न नहीं पूछा गया परंतु प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपने उसे अपनी तैयारी के दौरान छोड़ दिया हो, उसको आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपका इस चैप्टर वाइज टेस्ट आपको जहां भी मिल रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए, यह सबसे अच्छा रणनीति हो सकती है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपका एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। जब आप एक चैप्टर, एक विषय को कंप्लीट कर लें, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। और इसी प्रकार का हमारा ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में केवल ₹199 में हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज की शुरुआती कीमत रखी है, उसके माध्यम से आप लोग इन तीनों प्रकार के टेस्ट को अरेंज कर पाएंगे। इन तीनों ही प्रकार के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स पर आपको टेस्ट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का भी टेस्ट मिलेगा जैसे जैसे वो सब्जेक्ट खत्म होगा, और उसके बाद हर एक पूरे जब सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट भी होगा और उसमें GS भी होगी, हिंदी भी होगी, यहां पर भी आपकी GS और हिंदी के सभी सेक्शंस होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसमें हम लोग अपने टारगेट्स को लेकर के चल रहे हैं। यदि आप इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे RYRO के मेंटोरशिप प्रोग्राम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ये सभी उसके फीचर्स हैं जो आपको अतिरिक्त तौर पर बेनिफिट करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।